असल में आज मीडिया के मीडिया का दौर दौरा है और हम हर उस चीज को मान रहे होते हैं सही या गलत जो मीडिया हमें बता रहा होता है, ये सही है ये गलत है। अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो जनाब एक तूफान बरपा हो गया पूरी दुनिया के अंदर कि औरतों का क्या बनेगा और बच्चों का क्या बनेगा, औरतों के हुकूक का क्या होगा और ह्यूमन राइट्स का बड़ा मसला हो जाएगा, हम उस वक्त तस्लीम करेंगे जब यहाँ औरतों के हुकूक का तहफ़ होगा। आज तक जो बमबारी कर करके यहाँ की औरतों को तुमने कत्ल किया है, उस वक्त के ह्यूमन राइट्स कहाँ थे, इंसानी हुकूक कहाँ थे? जो बच्चों को तुमने ज़िबा किया है, लाखों बच्चों को तुमने यतीम किया है, लाखों औरतों को तुमने बम मार के शहीद किया है, एक मुल्क में नहीं मुसलमानों के कई मुल्कों में, तो वेमन राइट्स का मतलब यह होता है कि अगर औरत को पर्दा करवा दिया तो औरत की आजादी छिन गई, और बम मार दो तो आजादी नहीं छिनी। लेकिन दुनिया यही समझ रही है कि हाँ वाकई में औरतों का क्या बनेगा, औरतों की आजादी का क्या बनेगा, औरतों के हुकूक का क्या बनेगा, इसलिए कि मीडिया ये दिखा रहा है कि औरतों का तहफ्फुज ये है, वो जो बम मारना है वो तो अच्छी बात है, दहशतगर्द वो है जो औरत को पर्दा करवा रहा है, और जो औरत पे बम बरसा रहा है वो दहशतगर्द नहीं है। तो सही और गलत का मैयार हमने कुरान हदीस को सामने रखकर सेट करना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि आजादी क्या है और पाबंदी क्या है, किस हद तक हम आजाद हैं, किस हद तक हम पाबंद हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज में हमें दुनिया में आजादी मिल गई है,